Welcome students in your science lecture 1 rock and mineral chapter number 11. What are rocks? क्या होते हैं rock? अब आप बोलोगे आसपास जो पत्थर हमें दिखते हैं वही rocks हैं. So rock are that cover our earth surface. You can say as a hard material जो हमारे earth surface को cover करके रखता है इसे बोलते हैं rock. Rocks are found in various shape. बहुत सारी शेप्स में दिखते हैं रॉक्स. साइजेस में भी दिखते हैं और इनके फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं. कुछ रॉक्स देखे होंगे आपने, लाइट वेट होते हैं, ओके, कुछ हैवी होते हैं, देन कुछ डार्क कलर होते हैं, कुछ लाइट कलर होते हैं. सो दे आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल. रॉक्स किससे बनते हैं? रॉक्स बनते हैं मिनरल्स से. दीज आर फाउंड ऑन द ग्राउंड ऑन हिल एंड डीप अंडरग्राउंड. रॉक जो हैं वो हमें ग्राउंड पर भी दिखते हैं, हिल्स में भी दिखते हैं, और हमारे अगर हम जमीन को खोदें, हमारे ग्राउंड को अगर हम डिग करें तो डीप अंडर द ग्राउंड यहाँ पे भी हमें रॉक देखने को मिलते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक. फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक. सबसे पहले इग्नियस रॉक को हम लोग स्टडी करते हैं. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा और लावा सॉलिडिफाई और कूल. इग्नियस रॉक कब बनते हैं? इग्नियस रॉक तब बनते हैं जब मैग्मा यानी वॉल्केनो इरप्शन के बाद जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है और बाहर आने के बाद ठंडा होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाए, तब ऐसे रॉक्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इग्नियस रॉक. रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ मेल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और प्रेशर. हमारी अर्थ के अंदर क्योंकि बहुत हीट रहती है, यहाँ पर गर्मी रहती है, तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा हुआ है, और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारे अर्थ है उसमें से मैग्मा जो है वो सरफेस तक आ जाता है. एंड दिस मैग्मा कूल जस्ट बिलो द सरफेस एंड हार्डन टू फॉर्म इग्नियस रॉक. और ये मैग्मा बिल्कुल सरफेस के पे के सरफेस के जस्ट बिलो, ये सरफेस है इसके जस्ट बिलो यहाँ पर आकर ये कूल हो जाता है, और कूल होने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है. एंड द फर्स्ट रॉक टू बी फॉर्म ऑन द अर्थ वर इग्नियस रॉक. वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक जो है इसके बनने का कारण वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है. व्हेन वॉल्केनो इरप्ट मैग्मा फ्लो आउट, क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, जब वॉल्केनो फटता है तो मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही इसको वापस से वही कूलिंग कंडीशन मिल जाती है और ये फिर सॉलिडिफाई हो जाता है. दिस लावा कूल एंड हार्डन टू फॉर्म इग्नियस रॉक. ये लावा यानी मोल्टन जो फॉर्म था वो कूल हो गया. सम ऑफ द इग्नियस रॉक आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ ऐसे इग्नियस रॉक्स हमें दिए हुए हैं, लेट अस रीड. ग्रेनाइट, द वर्ल्ड ग्रेनाइट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेनियम. ये वर्ड कहाँ से आया है? ग्रेनियम से आया है, या इसे हम ग्रेन भी बोलते हैं. व्हेन मैग्मा कूल बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट फॉर्म ग्रेनाइट. जब मैग्मा अर्थ के सर्फेस पे कूल हो गया, ओके स्टूडेंट, यहीं पे कूल हो गया, ये सर्फेस के जस्ट बिलो, तब ये क्या है? ग्रेनाइट है. दिस रॉक कंसिस्ट लार्जली ऑफ थ्री मिनरल, मैका, क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार. ग्रेनाइट कैन बी वाइट, पिंक और ग्रे इन कलर. ग्रेनाइट थ्री कलर में दिखता है, वाइट, पिंक एंड ग्रे. इट इज़ वेरी हार्ड रॉक, ये बहुत हार्ड होता है, एंड इट इज़ जनरली यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड फ्लोरिंग ऑफ द हाउस. प्यूमाइस, व्हेन लावा कूल क्विकली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जब लावा सरफेस पे आने पर ऑल ऑफ अ सडन कूल हो गया, सरफेस लावा सरफेस पे आया और यहाँ आकर कूल हो गया. दिस प्यूमाइस, दिस फॉर्म द प्यूमाइस. इट एग्जिस्ट एज अ पाउडर और डस्ट कॉल्ड प्यूमिसाइट, विच इज़ वॉल्केनिक रॉक. इट इज़ लाइट कलर, ये हल्के कलर में होता है. प्यूमाइस इज फॉर्म्ड व्हेन द लावा अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज थ्रोन आउट ऑफ द वॉल्केनोज ड्यूरिंग एन इरप्शन. लावा विद गैस बबल सॉलिडिफाई रैपिडली एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोर इन साइड द रॉक. क्या होता है, जैसे लावा बाहर आया तो उसमें बबल्स होते हैं क्योंकि वो गर्म है. जब वो बाहर आ रहा है बबल्स के साथ, तो ऑल ऑफ अ सडन इट सॉलिडिफाई हेयर, यहाँ आते ही ठंडा होते ही सॉलिडिफाई हो गया. ये गैस बबल्स जो थे वो ऐसे कैसे सॉलिडिफाई हो गए, एंड इट गिव लाइटनेस टू द रॉक. और ऐसे पत्थर जो है वो बहुत लाइट रहा, ओके. इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी पर फ्लोट कर सकता है. इट इज़ यूज टू मेक बॉडी स्क्रबर, ये बॉडी स्क्रबर बनाने में भी काम आता है, फ्लोर को पॉलिशिंग में भी काम आता है, देखा होगा बॉडी स्क्रबर के रूप में फॉर्म में. प्यूमाइस स्टोन, ये बहुत लाइट कलर का होता है.
basalt. Basalt is dark colored rock made up of fine green. It is the most abundant rock on the earth. Most of the ocean basin contain basalt. It is very hard rock. Basalt is formed when lava at a temperature more than 1000 degrees centigrade flow out from the crack on the surface of the earth. It cooled down quickly within a few weeks, forming a solid rock. और कुछ हफ्तों में ये लावा जो है वो ठंडा हो जाएगा और इस तरह का रॉक बनाएगा बेसाल्ट. ओके, बेसाल्ट इज डार्क इन कलर. ये डार्क कलर का होता है बिकॉज द मिनरल प्रेजेंट इन इट इज अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. क्योंकि इसमें जो मिनरल हैं वो हैं आयरन और मैग्नीशियम, इसलिए बेसाल्ट जो है डार्क कलर है. क्लियर? बेसाल्ट इज फाउंड ऑन द मून. द एरिया वेयर बेसाल्ट इज फाउंड ऑन द मून आर कॉल्ड लूनर मेरिया. मून पे बेसाल्ट रॉक देखा जाता है और जो एरिया जहाँ पे मून पे बेसाल्ट रॉक पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लूनर मेरिया. सेडिमेंट्री रॉक. लार्ज पोर्शन ऑफ रॉक फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर सेडिमेंट्री रॉक. दीज रॉक आर फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंटेशन ऑफ सैंड पार्टिकल, मड, क्ले और अदर रॉक. दीज रॉक आर देयर फॉर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंटेशन मीन सेटलिंग ऑफ पार्टिकल एट अ प्लेस. एक जगह पर पार्टिकल्स, सॉयल के पार्टिकल जो हैं वो सेटल हो जाएँ. When igneous rock undergo withering by wind, water, ice or glacier, they break down into a small fragment. Igneous rock, सबसे पहला rock igneous rock है. जब ये form हुए, इसके बाद formation के बाद ये break भी हुए. High temperature, pressure, wind, rain, इन्होंने इसको तोड़ दिया. जब ये पत्थर टूट गए, particles में change हो गए. ये particles जो हैं fragments ये कह सकते हैं हम इन्हें, ये ले दूर ले जाए गए बाय द फ्लोइंग वाटर एंड विंड इनटू रिवर एंड सी, समुद्र में या नदियों में ले जाए गए. दीज पार्टिकल्स सिंक डाउन टू द बॉटम एंड फॉर्म लेयर. ये सम बेड पर, सी बेड, रिवर बेड, यहाँ पर जाके डिपॉजिट होने लग जाएंगे. ओके, मैनी सच लेयर आर फॉर्म ऑन टॉप ऑफ अदर. और बहुत सारी एक के ऊपर एक लेयर आ जाएंगी. एंड द टॉप लेयर स्क्वीजेज द बॉटम लेयर. टॉप लेयर जो है अपना प्रेशर काय पे बनाएगी, बॉटम लेयर पे बनाएगी. फिर एक लेयर आई, फिर इसने अपना प्रेशर बनाया, फिर लेयर ऐसे डिपॉजिट होती चली गई. एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक. इस तरह से लेयर जो है, लेयर पे लेयर आके जो रॉक्स जो हार्डन हो जाएंगे इसे बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक. सैंडस्टोन. सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड गेट कंप्राइज्ड एंड सेडिमेंटेड टुगेदर. सैंडस्टोन कब बनेगा? जब सैंड यानी रेत की पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से सीमेंटेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे. एंड द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन सैंड स्टोन इज क्वार्ट्स. सबसे कॉमन जो मिनरल है सैंड स्टोन में जो पाया जाता है वो है क्वार्ट्स. ये ब्राउन, पिंक, रेड और येलो कलर में देखा जाता है. एंड दिस रॉक इज यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. ये बिल्डिंग बनाने में काम आता है. द फेमस रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन. और जो रेड फोर्ट बना हुआ है दिल्ली में वो फेमस, सबसे फेमस बिल्डिंग जो है वो किसकी बनी हुई है? रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है. शेल. शेल इज फॉर्म फ्रॉम द लेयर ऑफ क्ले दैट हैव हार्डन. सैंडस्टोन काय का बना? सैंड से. शेल काय का बना है? क्ले. इट इज अ स्मूथ रॉक. इट इज यूज टू मेक ब्रिक एंड टाइल्स. शेल जो है वो स्मूथ रॉक होता है, ब्रिक और टाइल बनाने में काम आता है. लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज कंपोज ऑफ स्केल्टन फ्रैगमेंट ऑफ सी ऑर्गेनिज्म. समुद्र में कह सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी शेल्स जो हैं, जो वो एक कलेक्शन हो जाता है उनका, या हम कह सकते हैं कि कॉरल और मोलस्क, शंख जिसे बोलते हो, वो सीप. इट कंटेन कैल्साइट एंड आर्गोनाइट मिनरल. इनमें कौन से मिनरल होते हैं? कैल्साइट और आर्गोनाइट मिनरल होते हैं. चौक इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ लाइमस्टोन रॉक. सीमेंटेड ब्रिक्स एंड ग्लास आर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन काय का बनता है? लाइमस्टोन जो है वो आमतौर पर काय का बना है? स्केल्टन फ्रैगमेंट यानी स्केल्टल, किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग सी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, सी ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, उसकी बॉडी का फ्रैगमेंट, टूटे हुए टुकड़े, उनसे बनता है. देन कॉन्ग्लोमिरेट. कॉन्ग्लोमिरेट रॉक आर पीसेस ऑफ स्मॉल रॉक सीमेंटेड टूगेदर विद सैंड एंड मिनरल. कॉन्ग्लोमिरेट जो है वो ऐसा पत्थर है जो कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं. किसके हैं ये? सैंड और मिनरल्स के. दे हैव वेरी अनइवन टेक्सचर. इसका कोई स्मूथ टेक्सचर नहीं है, बहुत अनइवन है, उबड़ खाबर कह सकते हो. एंड कैन ग्रे और ऑरेंज इन कलर. ये ग्रे और ऑरेंज कलर का होता है. एंड दे आर यूज टू पॉलिश ऑर्नामेंट एंड आर ऑल्सो यूज एज ऑर्नामेंटल रॉक. देन कम विद द मेटामॉर्फिक रॉक.
थर्ड कैटेगरी जो है रॉक की वो है मेटामॉर्फिक. द टर्म मेटामॉर्फिक कम फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फोसिस विच मीन चेंज. लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जब पढ़ी होगी तो हमने ये टर्म पढ़ा होगा मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज होना, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस जाना. सो मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक इन दोनों रॉक से बनता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से. When these two type of rock are subjected to intense heat and pressure inside the earth, mineral content of these rock changes. Limestone change into marble, sandstone into quartzite, shale into slate and granite into gneiss. यहाँ पर आपको दिया हुआ है किस फॉर्म में चेंज होंगे. जब बहुत तेज गर्मी या बहुत तेज प्रेशर की वजह से ये दोनों रॉक्स जो हैं इनकी इनमें चेंजेस हो जाएं इनसाइड द अर्थ, देन दे फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक. मार्बल इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन. इट इज़ स्ट्रॉन्ग रॉक एंड कैन बी इजीली पॉलिश. मार्बल जो है लाइमस्टोन से बनता है और इसको पॉलिश किया जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मार्बल. इट कम इन डिफरेंट कलर बट वाइट मार्बल इज़ मोस्ट कॉमन. अलग अलग कलर में आता है मार्बल लेकिन वाइट मार्बल जो है बहुत कॉमन है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड द फ्लोर ऑफ हाउसेज. ताजमहल इज फेमस मॉन्यूमेंट मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, वेरी कॉमन, देखा भी हुआ होगा आप लोगों ने. देन क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट इज़ फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन. क्वार्ट्जाइट काय का बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है. इट इज़ यूज, इट इज़ अ हार्ड रॉक दैट कैन कॉज स्क्रैच ऑन स्टील. ये इतना हार्ड है कि स्टील पे भी स्क्रैच कर देता है. इट इज़ यूज टू मेक स्टैचू. स्टैचू बनाने में काम आता है, वॉचेज में आता है एंड ग्लास बनाने में काम आता है. इट कैन बी क्लियर और कलरफुल. ये या तो बिल्कुल क्लियर होता है, इसके आसपास देख सकते हो, या फिर ये कलरफुल भी हो सकता है. देन स्लेट. स्लेट इज अ फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम शेल. इट इज़ यूजली ब्लैक और ग्रे इन कलर बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्रीन एंड पर्पल कलर. इट इज़ यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड, रूफ एंड स्लेट. स्लेट जो है वो फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक है, सबसे फाइन ग्रेन की तरह. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम शेल. ये कैसे बना है, शेल से बना है. इट इज़ ब्लैक और ग्रे इन कलर. ये ग्रे और ब्लैक कलर का होता है बट फाउंड इन ग्रीन एंड पर्पल कलर. ये आमतौर पे ग्रीन और पर्पल कलर में पाया जाता है स्टूडेंट. इट इज़ यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड, रूफ एंड स्लेट. ब्लैक बोर्ड बनाने में काम आता है. आप जब स्लेट पे बच्चे थे लिखते थे, या आप देखते हो कि आसपास आपके कोई छोटे किड्स होंगे वो लिखते होंगे, तो जो दिस पार्ट दिस सरफेस ये स्लेट है. देन गिनीज. गिनेस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट. गिनेस किसका बना है, ग्रेनाइट का बना है. इट कंटेन मेका विच मेक इट शाइन. चमकता है ये. इट ऑल्सो हैज़ डार्क एंड लाइट बैंड ऑफ डिफरेंट कलर. यहाँ पे आपको जनरली सारे जितने भी हमने अभी तक रॉक पढ़े हैं इन सबके कहीं ना कहीं आपको पिक्चर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो यू कैन क्लियरली सी. यहाँ से हमें सब दिख रहे हैं क्लियरली, हमें पिक्चर में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम कौन से रॉक्स हैं. देन रॉक साइकिल. आपको पता है मोटरसाइकिल तो आपने पढ़ी है, ऐसे एक रॉक साइकिल भी होती है. यानी रॉक जो है वो रिसाइकिल वापस से साइकिलिंग होती रहती है उनकी नेचर में. मेटामॉर्फिक टू इग्नियस. सबसे पहले मेटामॉर्फिक से इग्नियस पे जाना. मेटामॉर्फिक रॉक प्रेजेंट डीप इनसाइड द अर्थ मेल्ट एंड फॉर्म मैग्मा. मेटामॉर्फिक रॉक जो अर्थ के अंदर होते हैं ये मेल्ट होते हैं, गर्म हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाएंगे. एंड दिस मैग्मा कम टू सरफेस ऑफ द अर्थ. फिर ये मैग्मा जो है वो बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे कूल होगा और इग्नियस रॉक बन जाएगा. फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे. इग्नियस रॉक का क्या होगा, फिर वही वापस से इनकी विदरिंग होगी. विदरिंग यानी वापस से पीसेस में टूटेंगे ये. देन दीज रॉक गो डाउन इन टू द सी. फिर टूटने के बाद ये पानी से बहते हुए कैसे ना कैसे रूप में ये सी तक चले जाएंगे. सी में जाने के बाद सेडिमेंट्री हो जाएंगे. फिर सेडिमेंट्री से वापस से मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएंगे. सेडिमेंट्री रॉक क्या करेंगे, सिंक लोवर अंडर द ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर. एट द एंड दे डिफॉर्म एंड बिकम मेटामॉर्फिक रॉक. फिर ये नहीं जाके वापस से मेटामॉर्फिक हो जाएंगे. फिर मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री में चेंज हो जाएंगे. मेटामॉर्फिक रॉक मूव अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू मूवमेंट इन साइड द क्रस्ट. क्रस्ट में मूवमेंट होता रहता है तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हर सरफेस तक आ जाते हैं. एंड गेट एक्सपोज टू विदरिंग. फिर ये भी टूटेंगे. देन दे आर ब्रोकन डाउन एंड रिकम्पेटेड टू मेक सेडिमेंट्री रॉक. फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे. सेडिमेंट्री टू इग्नियस. सेडिमेंट्री से इग्नियस पे बन जाना. सेडिमेंट्री रॉक फर्स्ट बिकम मेटामॉर्फिक. सेडिमेंट्री रॉक पहले मेटामॉर्फिक होंगे एंड देन इग्नियस, और मे डायरेक्टली चेंज टू इग्नियस. ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली इग्नियस भी बन जाएं. देन इग्नियस टू मेटामॉर्फिक. इग्नियस रॉक प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस सिंक बिलो ड्यू टू अर्थ मूवमेंट एंड बिकम मेटामॉर्फिक रॉक अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे. तो यहाँ पर आपको साइकिल दी हुई है कि कैसा मेटामॉर्फिक से इग्नियस बनेंगे.
इग्नियस से सेडिमेंट्री हो गए, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक हो गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैसे ना कैसे करके ये थ्री जो फॉर्म आप देख रहे हो यही मेन फॉर्म है रॉक के, और ये इंटरचेंज होते रहते हैं, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री, देन इग्नियस एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट द रॉक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मिनरल्स।